बप्सा बहुजन समाज और कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले छात्र छात्राओं का संगठन है। इसका गठन जेएनयू दिल्ली में 2014 में वंचित समाज से जुड़े हुए छात्रों द्वारा हुआ था। यह संगठन एक दर्जन से अधिक विश्वविद्यालयों में विशेषकर बहुजन समाज के विद्यार्थियों के हितों में काम कर रहा है। इसी मकसद से मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज से आने वाले विद्यार्थियों द्वारा आज बप्सा की लखनऊ विश्वविद्यालय इकाई का गठन किया गया। बप्सा लखनऊ विश्वविद्यालय के बहुजन समाज में के पुराने विद्यार्थियों और प्रवेश लेने वाले नए छात्र छात्राओं को समय समय पर शैक्षिक सामाजिक सहयोग प्रदान करेगा। जिसमें कि वो विद्यार्थी समुदाय से हैं या भाव का सामना करना पड़ता है, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए और उनको आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आज के कार्यक्रम के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम लोग दलित बहुजनों का पहला संगठन स्टूडेंट एसोसिएशन बना रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर, और हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि दलित बहुजन छात्रों से रिलेटेड कोई भी मुद्दे हों उन पर हम काम करें, उनके लिए आवाज़ उठें। दलित बहुजन छात्रों के लिए फीस हो गई, कोचिंग हो गई या अन्य हॉस्टल हो गए, इस तरह की कोई भी समस्याएं, महिलाओं की कोई समस्याएं जो कि छात्राओं से रिलेटेड हो, अल्पसंख्यक वर्ग, आदिवासी वर्ग, इन सबसे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनके लिए हम काम करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। आपको जिम्मेदारी दी गई है अध्यक्ष जी, तो आप इसको कैसे कार्ययोजना बना के काम करेंगे? क्योंकि तमाम समस्याएँ हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में, फीस की समस्या हो, हॉस्टल की समस्या हो और भी सारी सारी समस्याओं के लिए हम लोग का कार्यकारिणी बनी हुई है, पदाधिकारी हैं, हम लोग बैठ करके मीटिंग करेंगे, उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे, जिस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे उस हिसाब से काम किया जाएगा। और बाकी हम लोग के टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, जो हम लोग का मार्गदर्शन करेंगे। लावण्या, आज आपके एक एसोसिएशन का यहाँ गठन हुआ है, आप एक सचिव के तौर पे यहाँ पे पदाधिकारी बनी हैं, क्या क्या आपकी प्रायोरिटीज होंगी इस एसोसिएशन में काम करते हुए, क्योंकि एक आप लड़की हैं, आप किस उसमें काम करेंगी? सर, इस एसोसिएशन को लेकर जो मेरा सबसे बड़ा एम ये है कि मैं लड़कियों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ पाऊँ, और हमारी ये जो स्टूडेंट यूनियन है इसका भी मेन एम यही है कि लड़कियों को हम इससे जोड़ सकें, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो खुलकर मुखर रूप से नहीं आके अपने मुद्दों को रख पाती हैं, तो हम लोग लड़कियों से जा करके उनसे बात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, जो कि सबसे बड़ी समस्या शौचालय से, साफ सफाई से रिलेटेड होती है, उसको जा करके उनसे बात करेंगे, उनकी और भी समस्याएँ जानेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश। आपके जैसे कि जो हमारा जो ये यूनियन है ये पॉलिटिकल यूनियन नहीं है, ये एक स्टडी सर्कल है, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम से रिलेटेड है, ये स्टडी से रिलेटेड है, विकास से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, स्टूडेंट राइट से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं, हम पॉलिटिक्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। स्टूडेंट यूनियन नहीं होना चाहिए, जो स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन होते थे यूनिवर्सिटी कॉलेज में, होने नहीं चाहिए, होने चाहिए, मेरा ये मानना है कि वो होनी चाहिए, इससे स्टूडेंट्स के और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो खुल करके सामने आते हैं, स्टूडेंट्स को एक राइट मिलता है अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करने का। धीमे धीमे पूरा रूप ले पाया था, उस प्रोसेस का एक हिस्सा ये था कि पहले 5 साल तक जो दबे कुचले तबके हैं, जो समाज में पीछे हो गए हैं, जिनकी सामाजिक लड़ाई में वो पीछे रह गए हैं, उनको मार्जिनलाइज और आइसोलेट करने का, उनको दुनिया से अलग कर देने का,
शिक्षा को किस कदर महंगी कर दी। देशपद न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।